तुम्ही कधीपासून आले तिथं? किती दिवस झाले तुम्हाला येऊन? जरा बोला, किती महिने झाले? 4 महिने. काय फरक पडला तुम्हाला? किरेक फरक काय? तुमच्या पैसे काय घेतले का वगैरे? म्हणजे काय असते नाही घेतले का असे पैसे मागून 10-50 हजार द्या म्हणून? हां, तुमच्या आईच्यानुसार ते ना पैसे ठीक आहे. समजा बरं, तुम्हाला सामानचे तेवढेच पैसे लागले ना? हां, चांगला फरक आला ना तुम्हाला? बरं, याची आधी कुठं दाखल का तुम्ही? बरं, तुमचा का तुम्हाला फरक पडला ना सांगा. तुमचा तुम्ही थोडं बोला. दोन चार कुठून आले तुम्ही? बर बर, कशासाठी आले तुम्ही? मला काही बाहेरचा आजार होता, त्या कारणामुळे मी आलेली. बर बर, याच्या आधी कुठे दाखल का तुम्ही? हा, भरपूर जागेवर दाखवलं पण काही आराम नाही पडला. इथे आल्यावरती आम्हाला आराम पडला. बर, तुम्हाला काही तर म्हणजे फरक आता जाणवला का? म्हणजे हा जाणवला, भरपूर फरक जाणवला आम्हाला. बर बर, तुमच्याकडून काही पैसे वगैरे घेतले का डॉक्टर साहेब? नाही नाही, आमच्याकडून काही पैसे वगैरे काही घेतले नाहीयेत. जेवढे आमच्या की आम्हाला सामान जेवढे त्यांच्याकडून दिलं त्याचेच पैसे आम्हाला लागलेले. त्यांच्याकडून दुसरा एक्स्ट्रा पैसे काही आम्हाला घेतले नाही आमच्याकडून. बर, आम्हाला भरपूर जागेवरती आम्हाला म्हणजे दाखवलं, आम्हाला कुठेच फरक नाही पडला. इथे आल्यावरच फरक पडला. 4 वर्षापासून हे आजार होता पण इथे आल्यानंतर 3 महिन्यांतच तो आजार गेला आमचा. आम्ही 3 महिने कुठे हा कोर्स केला, 3 महिन्यानंतर आमचा आजार पूर्णपणे बंद झाला. तुम्ही सांगा थोडं, तुम्ही कुठून आले? मी माझी मुलगी घेऊन आलेली आहे. माझी मुलगी शीतल गेली. लग्न झाल्यानंतर म्हणजे लग्न झाल्यापासून खूप त्रास आहे. 5-6 वर्ष होतोय त्यापासून भरपूर त्रास होता. इकडे तिकडे घेऊन गेले भरपूर ठिकाणी, जिथे मला सांगितलं तिथे घेऊन गेले पण काही नाही आराम पडलं. पण आम्ही युट्यूबला बघितलं, ह्यांचं नाव वगैरे दिसलं आम्हाला. मग हे युट्यूबला बघितल्यानंतर आम्ही इकडे आल्या, माहिती पडलं. मग ह्यांच्याकडे भरपूर विलास झाला. आता एकदम सगळं नॉर्मल झाली, चांगली झाली आहे आता. आणि पैसे वगैरे काय आमच्याकडून त्यांनी एक्स्ट्राचे नाही घेतले. जे काही सामानाचे आहेत, जे उतार आहे ते उतारीचेच पैसे घेतलेले आहेत. सामान लागतात तेवढेच घेतले. म्हणजे एक्स्ट्राचे पैसे काही त्यांच्याकडनं आमच्याकडून मागितले नाही. तुम्ही या इकडे समोर बोला, तुम्ही कुठून आले? बर, तुमचे कोण आहे ते? मिसेस आहेत तुमचे. याच्या आधी कुठे दाखल का तुम्ही? कुठं कुठं दाखल? असं का? तुम्हाला कसं माहित झालं इथे डॉक्टर साहेब इलाज करतात म्हणून? युट्यूबवर पाहून आले ते का? आता काय तुम्हाला फरक जाणवला का? किती जाणवला? 90% फरक वाढला. बरं, आता चांगलं वाटतंय ना तुमच्या पेशंटला? बरं, पहिले कशी तब्येत होती पेशंटची? पहिले तब्येत म्हणजे नव्हतीच, माणसात काहीच कळत नव्हतं. कळत नव्हतं तिला काही, कोण आहे, नवरा कुठे, सासू कुठे. बरं, आता सगळं व्यवस्थित चालले समजा. बरं, काय तुमच्याकडून पैसे घेतले डॉक्टर साहेबांना? काही काहीच नाही घेतले ना?
जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। जकड़ो उसको और तेज से। फांग लगाओ उसके अंदर से, जकड़ के तेजी जकड़ लो उसको, फांग लगाओ उसके अंदर तेजी से, जकड़ लो उसको और तेजी से। अंदर से उसको और तेज से, कितने साल से परेशान कर रहा था उसको, हाँ कितने साल से परेशान कर रहा था, कितने साल से परेशान कर रहा था उसको। जकड़ लो उसको और तेज से। हाँ, जकड़ो उसको तेजी के साथ में और जोर से लगा, तेरी पूरी ताकत लगा, पेट में से आग लगाओ उसको, चलाओ नाला तेज से, और जोर से पूरी ताकत लगा, कितनी देर दो, कहां से लाए थे तुझे, शमशान से, कब्रस्तान से, कौन लाया था वो, क्यों उसको, क्या उन्हें खुद बुलाया था तुझे, वो बच्चे ने खुद बुलाया था तुझे, क्या तू खुद ब खुद आया, लाकर छोड़े कोई ने, उसकी माँ के तरफ के बाप के तरफ के कौन लोगों ने लाके छोड़े, तरक्की करना नहीं, पागल हो जाना, मर जाना, बोल कैसा कर रहा था क्या तू उसको, अरे
बस जबान से बोल, इशारों से नहीं समझता वहां कुछ। आज क्यों तेरी जबान कटने वाली है? कटियाली जबान का शैतान है तू। हाँ कहां से? कब्रिस्तान से? हाँ नहीं, शमशान से? हाँ क्या बोल रहे नजदीक? हाँ शमशान से। कहाँ के शमशान से? परभनी के? जोर से, परभनी के, बंबई के, हाँ नांदेड़ के? सीधा बोल जोर से, हाँ या ना? नांदेड़ के पास के शमशान से? ये बच्चे के गांव से? कौन मिले आले? माँ के तरफ के, बाप के तरफ के लोग? कहाँ के? माँ के? सीधा बता बता, माँ के नहीं, बाप के? बाप के खानदान के लोग है। कौन है? औरता है या आदमिया है? औरत है? आदमी भी मिले आला है? नहीं खाली औरता है। बाप के खानदान के बच्चे का जादू चलाते टाइम क्या लिख गए थे? ये कैसा गूंगा शैतान है क्या? जबान लाऊं क्या इसकी मार के? अरे नाला है, सही बोल रहे, अभी चाबुकों से मारने लगाऊंगा। क्या सही बोल रहा सब बातें? तो वो जो है वो औरत कहाँ के? वो जादू करने वाले इसकी माँ किस खानदान के? नहीं अच्छा बाप के खानदान के। हाँ बाप के खानदान के और कहाँ हैं? कितने? दो तीन चार, एक है। जोर से, हाँ और जोर से, हाँ और जोर से। दो है, चार है, कितने हैं? हाँ कितने है, कितने है? जल्दी बच के ना जान देते, यहाँ गए फंस गए। चलो नाला जल्दी, नहीं तो पूरा मार मार के खत्म कर दूंगा। और जल्दी आउट। हाँ बता, क्या दुश्मन थी इसके अब्बा के खानदान के? इससे कौन है तुम्हारे भाई? क्या कर रहे थे ना? पढ़ाई बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहा, कपड़े की दुकान। अरे कपड़े की दुकान अच्छी चल रही बोल के कर क्या? हाँ अच्छी चल रही बोल के बच्चा तरक्की कर रहा था बोल के चिढ़ गए। शादी हुई क्या उसकी? तुम्हारे खानदान में की वो जो औरतों ने जादू टोना करे उनकी बेटी देने वाले थे क्या? इस गौरे नहीं करा बोल कैसा करे क्या उसका हाल? हाँ बोल जोर से बोल, सबको समझ में आना। समझे सारी दास्तान? जकड़ो उसको और तेजी से। जलाब इसके दोनों हाथों में आग लगाओ, खोलो उसके जबान के सारे टाके खोलो, बात करना मेरे से। अब जला दे रहा उसको तेजी से, बड़े जगह को बिस्मिल्लाह रहमान तेजी से। हाँ तेजी से अब मारने वाला था इसको, मारने वाला है अब, मारने वाला है सिंह बोल, कब मारने वाला है? छोड़ते तो नहीं थे, पूरा मार मार के खत्म कर दूंगा। कब मारने वाला है उसको?
कब, कब मारने आला है? बोल कब मारने वाला है उसको? अम्मास में, पुन्नम में, पुन्नम में, पुन्नम में, ये आने वाली पुन्नम में, दो साल के बाद, अगली एक साल छह महीने, कितना टाइम है? कैसा मारने वाला? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके? मार तरफ से ही गूंगा शैतान, उसकी जबान नहीं बोला। अरे जबान नहीं तेरी? हाँ जबान नहीं बोल रहा है, गूंगा शैतान। देखेंगे उसको अगले राउंड तक, फिर लेंगे क्या दास्तान है उस हिसाब से निकालेंगे। ये जो है तो ये कहीं लगे वाला नहीं है, तंत्र वंत्र की जो क्रिया रहती है उस हिसाब से थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इसको जबान नहीं बता रहा है। बहुत अलग थियरी है, खैर लंबी चौड़ी है, इन शॉर्ट में बाद में समझाऊंगा, इतना तो टाइम नहीं समझाने का। चलो इसको बंद के डालो तेज, एक साथ में इसकी सारी दवा जमा कराओ, पूरी जमा करा के उल्टा मोजन लाकर सब बाहर निकाल के पिकनिक तैयारियां करो तेज, एक साथ में। रोग हो गया, चलो